काफी खुशी थी। मतलब आप लोगों को मैं वीडियो में नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश था, क्योंकि 7 साल की जर्नी थी और कभी लगता नहीं था कि मैं इंटरव्यू में बैठ पाऊंगा, और उसके बाद ये नहीं लगता था कि इंटरव्यू क्रैक कर पाऊंगा, और उसके बाद ये भी नहीं लगता था कि ऑफर लेटर मिल सकता है। तो वो जो खुशी थी काफी बड़ी थी। हाय, माय नेम इज प्रकाश, आई एम फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। करेंटली आई एम वर्किंग विद बुक माई शो ग्रुप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। और बचपन से ही मुझे टेक में काफी इंटरेस्ट था। इतना श्योर नहीं था कि आगे जाके क्या करना है, बट जैसे ही मैं स्मार्टफोन्स देखता था, जो शुरू में नोकिया फोन थे, काफी मैं इम्प्रेस था टेक से बचपन में। और काफी मैंने एप्स बनाई, उन्हें प्ले स्टोर में पब्लिश किया, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरी कुछ एप्स थी उनके 2 लाख इंस्टॉल चले गए थे, तो मुझे समझ आ गया था कि हाँ, तो यही मेरा पैशन है। और एप्स बनाने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे ऐसा सीखना चाहिए जिससे कि मैं ब्रांड के साथ कनेक्ट हो जाऊं। मैंने फिर काफी गूगल करा, काफी सर्च करा, तो मुझे समझ आया कि जो कंपनीज होती हैं वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे इतना फोकस नहीं करती जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम। उनका कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए हो। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोई ऐप बनाई है या आपने कोई वेबसाइट बनाई है। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड करा था कि स्केलर एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हो, तो इनका ये कोर्स है और एक डेडिकेटेड लर्निंग पाथ है। जो मेरी 7 साल का मेरा स्ट्रगल था, उसमें मिसिंग ये था कि कभी भी लर्निंग पाथ क्लियर नहीं था। कभी मैं कुछ सीख रहा था, कभी मैं कुछ और सीख रहा था। तो स्केलर एकेडमी में एक डेडिकेटेड लर्निंग पाथ था, क्योंकि काफी स्मार्ट टीचर्स हैं, फाउंडर्स काफी स्मार्ट है, तो उन लोगों को पता है कि आपको अगर ट्रेन करना है, आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है, तो आपका लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए। तो ज्वाइन करने के बाद क्लासेस होती हैं, तो मैंने उसमें काफी कुछ सीखा। और शुरू में जो मेरी रैंकिंग थी अपने बैच में वो टॉप 10 में थी, तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि मैं भी परफॉर्म कर सकता हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बैच में कोई IITian है या कोई NIT से है, तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो गया। और जो एक मिसिंग फैक्टर मैंने बताया था कि मेरी जर्नी में कभी भी मेंटोर नहीं था, तो मेरे मेंटोर थे, अमेजोन के थे, अभी करंटली वो इंडीड में कर रहे हैं जॉब, तो उन्होंने मुझे काफी गाइड करा। तो उनके गाइडेंस से मुझे समझ आया कि अच्छा, ये मुझे करना चाहिए, इस तरीके से मुझे रेज्यूमे बनाना चाहिए, इस तरीके से मुझे प्रॉब्लम को अप्रोच करना चाहिए, और मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या था, जब मुझे रेफरल मिलना स्टार्ट हुआ था, तो मैं काफी डरा हुआ था कि इंटरव्यू को कैसे फेस करूंगा, क्योंकि इतने टाइम के बाद मैं इंटरव्यू दे रहा था और काफी नर्वस था कि हाँ, मैं इंटरव्यू में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और फाइनली फिर एक दिन मेरे पास ईमेल आ गया बुक माई शो ग्रुप का, जिसमें कि एक ऑफर लेटर था। तो देख के तो मुझे यकीन हुआ नहीं, तो मैंने 2-3 बार उसको पढ़ा, फिर दोबारा उसको पढ़ा, फिर तीसरी चौथी बार उसको पढ़ा, तो फाइनली मुझे लगा कि अरे यार, कि अब फाइनली मुझे ऑफर लेटर मिल गया है। फिर मैंने अपनी फैमिली के साथ शेयर करा, जो कि वो लोग काफी खुश थे, क्योंकि वो लोग काफी परेशान थे कि मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो जितनी मेरी खुशी थी उससे डबल आई थिंक उन लोगों की खुशी थी। टाइम से नौकरी नहीं मिल रही थी पिछले साल, इसीलिए एकेडमी ज्वाइन किया। और एकेडमी ज्वाइन करने के बाद उसमें काफ़ी मेहनत की, मेहनत करने के बाद अब अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है, तो अब आगे अच्छा ही करेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि अच्छी जगह पे लगा हुआ है। अगर आप अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो स्केलर एकेडमी ज्वाइन करके आप काफी कुछ गेन कर सकते हो, लर्निंग गेन कर सकते हो, डेडिकेटेड लर्निंग पाथ होगा और काफी अच्छा करियर सपोर्ट है। तो मेरे जैसे टायर 3 स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगा काफी अच्छा कोर्स है।